मेरा ये सवाल है कि कुछ ऐसे फैमिलीज होते हैं जिनके शहर में भी घर होते हैं और गांव में भी होते हैं, तो वो जी शहर में ही रहते हैं लेकिन कभी कभी वो अपने गांव भी जाते हैं। तो सफर में तो कसर करेंगे लेकिन वहां पर जाकर वो कसर नमाज पढ़ेंगे क्या? नहीं, पूरी नमाज पढ़ना है और वहां पर भी 2-3 दिन ही की स्टे है उनके गांव में जाके, तो बता देखिए दीजिए ये। देखिए, उनका जब दो जगह पर घर है तो दोनों उनका वतन है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक आदमी का एक ही वतन हो, दो जगह भी वतन हो सकता है उसका। तो जब वो अपने घर गए, उनका आबाई घर है, तो वहां पर भी वो उनका वतन है, और वतन नहीं तो कम से कम वो मुकीम है। अगर आप थोड़ी देर के लिए वतन ना भी माने, तो आदमी या तो मुस्तौतिन होता है, या मुकीम होता है, या मुसाफिर होता है, तीन शक्लें होती है इंसान की। तो अगर वतन ना भी कोई माने तो कम से कम वो मुकीम है, तो बहरहाल वहां जाकर के वो नमाजें पूरी पढ़ेगा। और ज्यादा वाजे बात यही है कि वो उसका अपना वतन है, अपना घर है। जजाकल्लाहु खैर शेख। जी सिस्टर, जवाब मिल गया आपको? शेख नहीं, अगर कोई लड़की अपने मायके जाती है माँ के घर पे, तो भी क्या वो उस मुकीम रहेगी वहां पे? मतलब सफर करके जाती है तो वहां पर वो भी पूरी उसका नमाज घर पढ़? ही है, वो भी उसका जो मायका है, बल्कि असल घर उसका वही है। वही है। ये असल में शेख देखिए, ये सवाल आता कहां से है? ये सवाल यहां से आता है कि मायका जो है लड़की का, की शादी होने के बाद अब वो पराई हो गई, यहां से आता है ये सवाल, है ना? जबकि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। लड़की का असल घर उसका मायका है, क्योंकि जो इंसान का असल घर होता है ना, उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता। ससुराल से तो कल को हो सकता है, अल्लाह ना करे, उसकी शौहर की वफात हो जाए या उसकी तलाक हो जाए, अल्लाह ना करे, तो अगर तो कहाँ जाएगी फिर? जाहिर अपने घर ही जाएगी। तो आदमी लौट के कहाँ जाता है? अपने घर ही जाता है। तो उसका, लड़की का असल घर उसका मायका है। लेकिन अपने यहाँ गैर मुस्लिमों से ये थिंकिंग आई है कि जो है जब लड़की की शादी हो गई तो वो पराई हो गई। भाई पराई नहीं है वो, उसका असल घर वही है। जी। तो असल में एक सिस्टर ने कमेंट में पूछा है शेख, एक दिन के लिए जाए तब भी देखिए, जब अगर अगर वो एक दिन के लिए भी जा रही है तो उसका अपना घर है, तो जी। मुनासिब यही है कि वहां जाकर के वो इत्माम करे। जजाकल्लाह खैर। असल में गैर मुस्लिमीन ही से आया है शेख, जैसे गैर मुस्लिमीन कहते हैं ना कि हाँ लड़कियां पराया धन होती है, हाँ हाँ कन्यादान तो कर दिया, दान कर दिया। दान कर तो दिया। कन्यादान, भाई लड़की को दान नहीं किया जाता है, उसकी शादी होती है। कोई जो है वो प्रॉपर्टी थोड़ी है जो किसी को दे दिए, बिल्कुल उसकी शादी हुई है। दामाद और ससुराल का क्या मामला है शेख? दामाद अगर ससुराल जाए तो? अब देखिए, अगर वो इतनी दूरी पर है, जी ससुराल भाई दूर भी हो सकता है, करीब भी हो सकता है। अगर इतनी दूरी पर है कि उतना दूरी जाने को अपने यहां सफर कहा जाता है, तो फिर जी वो सफर होगा। लेकिन आमतौर से इतना दूर तो नहीं होता है अपने यहाँ। अब मान लीजिए कोई मुंबई से हैदराबाद में शादी किया हुआ है, तब तो ये सफर ही है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो वो कसर लेकिन करेगा, ससुराल, हाँ अगर वो सफर में है तो कसर करेगा। करेगा बिल्कुल। जजाकल्लाह खैर।